नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत, लोड बढ़ने पर पेनाल्टी से मिलेगी मुक्ति, पेनाल्टी से एक साल तक की मिल सकती है छूट। अब घर बैठे प्राप्त करें भू अभिलेख की सत्यापित प्रति, बिहार भू अभिलेख पोर्टल पर मोबाइल से करें लॉगिन, टोल फ्री नंबर पर भी कर सकते हैं संपर्क। नियोजित शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर, शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने की राह अब आसान, 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक भर सकते हैं फॉर्म। वाहन मालिकों के लिए बड़ी चेतावनी, आरसी और डीएल जल्द करा ले अपडेट, 30 नवंबर है आखिरी तारीख, नहीं तो भरना पड़ जाएगा जुर्माना। पटना में पुष्पा 2 ट्रेलर आज होगा लॉन्च, लाखों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद, दर्शक गेट नंबर 10 से कर सकते हैं एंट्री। बिहार में बड़ी ठंड, आईएमडी का अलर्ट, 6 जिलों में सुबह शाम रहेगा कोहरा, कोहरे में सावधानी बरतने की अपील। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल ऑक्शन में होंगे शामिल, सचिन से कम उम्र में रणजी में किया था डेब्यू, 12 साल 9 महीने में रणजी ट्रॉफी में किया डेब्यू। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने विभिन्न पदों पर कुल 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर, ऑपरेटर और अन्य पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया बीते 16 नवंबर से शुरू है। इसके लिए उम्मीदवारों को 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा जरूरी है। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब घर बैठे ही आप अपने भू अभिलेख की सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको बस बिहार भू अभिलेख पोर्टल, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस पोर्टल पर जाना होगा, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। यहां आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सेवाओं का लाभ आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है तो पोर्टल पर उपलब्ध यूजर हेल्प गाइड की मदद ले सकते हैं, जो आपको पूरी प्रक्रिया समझाने में मदद करेगा। साथ ही अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप टोल फ्री नंबर, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन निबंधन की तिथि बढ़ा दी है। अब कक्षा 11वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राएं 22 नवंबर तक ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। बिहार बोर्ड ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि शिक्षक और विद्यालयों के प्रधान जिनके स्कूलों में कक्षा 11वीं के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन निबंधन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के लिए फॉर्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर भरे जा सकते हैं। आने वाले नए वर्ष में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के पास बिजली कंपनी द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत उपभोक्ताओं को लोड बढ़ने पर लगने वाली पेनाल्टी से राहत मिल सकती है। दरअसल स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को ये समस्या अक्सर आती थी कि वे अपने बैलेंस के बारे में सही तरीके से अपडेट नहीं होते थे और इस कारण से जब उनका लोड बढ़ जाता था तो पेनाल्टी लग जाती थी। पहले इस पेनाल्टी से मुक्ति 6 महीने तक दी जाती थी, लेकिन अब ये प्रस्ताव 1 साल तक लागू करने का है। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने नियोजित शिक्षकों से संबंधित मामले की जांच पूरी की है। इस मामले में 2768 शिक्षकों के खिलाफ 1563 मामले विभिन्न जिलों में दर्ज किए गए हैं। विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि कुल 352,927 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जानी थी, जिसमें से 80% मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा 354 मामले बिहार के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं और उनकी जांच जारी है। निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कई सरकारी योजनाओं की भी औचक जांच शुरू की है। बिहार के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया कि अगर वाहन मालिक अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराते तो 1 दिसंबर से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना राशि 2500 रुपए हो सकती है और आरसी डीएल निलंबित भी हो सकते हैं। वाहन मालिकों को 30 नवंबर तक अपना मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल और क्यूआर कोड स्कैनिंग की सुविधा भी दी है।
बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक रखने वाले 13 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी इस बार आईपीएल ऑक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वैभव, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी, हेमन ट्रॉफी और कुछ बिहार ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 सीरीज में 58 गेंदों पर शतक जड़ चुके हैं। 5 साल की उम्र में क्रिकेट की यात्रा शुरू करने वाले वैभव अब तक 49 शतक और 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं। पिछले साल हेमन ट्रॉफी में उन्होंने 670 रन बनाए और सीके नायडू ट्रॉफी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। 12 साल 9 महीने की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले वैभव सबसे कम उम्र में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। जमीन क्रय के बाद दाखिल खारिज के आवेदन में निम्न बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। बिहार भूमि पोर्टल पर आप खुद ही अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर आवेदन करें, जिससे आवेदन के बाद की कार्रवाई आप खुद कर सकें। आवेदन के लिए विक्रेता या पूर्व के जमाबंदी, रैयत की जमाबंदी का ऑनलाइन होना और म्यूटेशन होने वाला खाता, खेसरा तथा रकबा का होना जरूरी है। जांच के दौरान अगर आवेदन में किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो ऐसे में आवेदन वापस आवेदक के लॉगिन में सुधार के लिए लौटा दी जाएगी। गलती सुधार पर आप फिर से आवेदन जमा कर सकेंगे। ध्यान रखें कि आवेदन जमा करने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा और आवेदन जांच पड़ताल के लिए अंचलाधिकारी के पास जमा हो जाएगा। आवेदन सही पाए जाने पर दाखिल खारिज वाद दर्ज करनी चाहिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार एक बड़ा अवसर लेकर आई है। राज्यकर्मी बनने की राह अब और भी आसान होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि जिन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनना है वे सक्षमता परीक्षा 3.0 में शामिल हो सकते हैं। सक्षमता परीक्षा 3.0 के लिए 25 नवंबर को विज्ञापन जारी होगा। 26 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 के बीच फॉर्म भरा जाएगा। इस बार भी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और इसमें मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन होंगे। हालांकि एक राहत की बात यह है कि इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बिहार सरकार ने नाबालिगों के वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के ताजा आदेश के अनुसार नाबालिगों को वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उनके अभिभावकों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नाबालिग के अभिभावक को 3 साल तक की सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, वाहन का निबंधन भी 12 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। ये कदम न केवल नाबालिगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उठाया गया है। 250 साल पुराना दो आने का ताम्र टिकट अब पटना के नागरिकों को देखने का मौका मिलेगा। ये टिकट 28 नवंबर से ज्ञान भवन में आयोजित डाक प्रदर्शनी में रखा जाएगा। जबलपुर से लाए गए इस टिकट पर एक ओर पटना और दूसरी ओर उर्दू में लिखा है। इसे 20 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का माना जाता है। ये टिकट सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होता था। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में ताम्र टिकट सहित कई आकर्षक डाक सामग्री को प्रदर्शित किया जाएगा। पटना जीपीयू के द्वारा 2011 के बाद पहली बार डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लग सकती है जिनका वेतन सत्यापन नहीं हुआ है और जिनकी सूचनाएं शिक्षा विभाग के पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कुलसचिवों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इससे संबंधित मामलों में विश्वविद्यालयों के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग अब हर माह विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, वित्तीय परामर्शियों और वित्त पदाधिकारियों के साथ संवाद करेगा ताकि विश्वविद्यालयों की वित्तीय समस्याओं का समाधान किया जा सके। पटना में आज रविवार को होने वाले सेना की टेरिटोरियल भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये निर्णय तब लिया गया जब बीते शनिवार को अभ्यर्थियों की भारी भीड़ ने भर्ती स्थल के आसपास के इलाकों में असुविधा पैदा कर दी। बता दें कि शुक्रवार रात से ही बड़ी संख्या में युवा सेना भर्ती में शामिल होने के लिए पटना पहुंच गए थे, जिसके कारण सेना भर्ती स्थल और उसके आसपास के इलाके में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इससे सड़क जाम की स्थिति पैदा हो गई और ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। भीड़ और जाम की स्थिति को देखते हुए आज होने वाले परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। अगली तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के 100 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद इन प्रधानाध्यापकों ने यू डायस पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टूडेंट प्रोफाइल एंट्री का काम पूरा नहीं किया। बीईओ अशोक कुमार सिंह ने इन प्रधानाध्यापकों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। विभाग ने सभी प्रधानाध्यापकों को 24 घंटे के भीतर प्रोफाइल एंट्री पूरी करने का आदेश दिया है, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बीते दिन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को गौरैया संरक्षण के लिए एक नई कार्य योजना सौंपी गई। ये रिपोर्ट वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान पटना जू के तत्कालीन निदेशक सत्यजीत कुमार के आग्रह पर गौरैया विद संजय कुमार द्वारा तैयार की गई। कार्य योजना में गौरैया की घर वापसी के लिए दाना पानी रखने, कृत्रिम घोंसला स्थापित करने, पेड़ लगाने और लोगों से गौरैया के प्रति संवेदना बढ़ाने की अपील की गई है। ये अभियान पहले चरण में पटना में शुरू होगा और बाद में अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। पूर्णिया में गुरुवार को पुलिस ने एक एग्जाम सेंटर पर छापेमारी कर 35 फर्जी कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि ये एसएससी एमटीएस परीक्षा में सेंटर संचालक की मिलीभगत से शामिल हो रहे थे। एग्जाम सेंटर के बगल के कमरे में असली कैंडिडेट्स बैठकर बायोमेट्रिक डेटा दर्ज करवा रहे थे, जबकि फर्जी कैंडिडेट्स परीक्षा दे रहे थे। पूर्णिया के एसपी कार्तिक के शर्मा ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह का संचालन पटना के एक लड़के और कटिहार के सेंटर संचालक रोशन द्वारा किया जा रहा था और ये नेटवर्क बिहार से लेकर झारखंड तक फैला हुआ था। जैसे कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई। बिहार में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। पटना आईएमडी ने 17 नवंबर तक बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और शिवहर जिलों में सुबह और शाम के समय घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कोहरे से विजिबिलिटी कम होने की आशंका है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है। इस बाबत वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। आज पटना के गांधी मैदान में साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम में फिल्म के अन्य स्टार कास्ट भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाले इस इवेंट में दर्शकों के लिए एंट्री फ्री होगी। लाखों की संख्या में दर्शकों की मौजूदगी की उम्मीद है। कार्यक्रम में फिल्म के गानों के साथ ट्रेलर लॉन्च होगा। बाबा साही एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने बताया कि गांधी मैदान में दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें सुरक्षा और साउंड लाइटिंग का भी ध्यान रखा गया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दर्शक गेट नंबर 10 से पास लेकर एंट्री ले सकते हैं। बिहार के 7 जिलों पटना, बेगूसराय, खगड़िया, अररिया, मोतिहारी, दरभंगा और समस्तीपुर में 18 केंद्रों पर गार्गी अध्याय से जुड़ी विदुषियों द्वारा आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत चल रहे इस प्रयास से बिहार के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा रही है। IPS विकास वैभव ने सोशल मीडिया पर गार्गी पाठशाला के बच्चों को देखकर खुशी जताई। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हर पंचायत और वार्ड में इस तरह के प्रयास किए जाएं तो बिहार में विकास का सपना शीघ्र साकार हो जाएगा। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पीएम मोदी और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अखिलेश सिंह ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 साल पहले दरभंगा में अस्पताल का उद्घाटन किया था, लेकिन अब तक उस अस्पताल का कोई काम नहीं हुआ है। भारत के वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर पिता बने हैं। उनकी पत्नी रितिका ने बीते दिन एक बेटे को जन्म दिया। इससे पहले इस जोड़े की एक प्यारी सी बेटी थी। रोहित शर्मा ने अपनी खुशखबरी को साझा करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू जाने वाली पोस्ट डाली। इस पोस्ट में उन्होंने एनिमेटेड फोटो साझा की, जिसमें वे और रितिका अपने पहले बच्चे के साथ सोफे पर बैठे हैं और अपने नए बेटे का स्वागत कर रहे हैं। रोहित और रितिका के फैंस और क्रिकेट प्रेमियों ने इस खुशखबरी पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो नन्हे हिटमैन के आने पर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, कमेंट जरूर करिए।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1947 में भारत की आजादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी सऊदी रवाना हुई थी। आज के दिन सन 1909 में मदन लाल ढिंगरा को वैली और लाल काका की हत्या मामले में पेंटोन विली कैद खाने में फांसी दी गई थी। आज के दिन सन 2009 में आंतरिक सुरक्षा के मसले पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। आज के दिन 1961 में हिंदी भाषा की जानी मानी कवयित्री अनामिका का जन्म हुआ था। क्या आप व्हाट्सएप बैकअप लेना चाहते हैं? तो सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ऐप को खोलें और ऊपर दाएं कोने में तीन डॉट्स पर क्लिक करें। इसके बाद सेटिंग्स में जाएं और फिर चैट्स पर टैप करें। अब चैट्स बैकअप पर क्लिक करें। उसके बाद आपको गूगल ड्राइव पर बैकअप का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे चुनें। यहाँ पर आप ये तय कर सकते हैं कि आप कितनी बार अपने चैट का बैकअप लेना चाहते हैं, चाहे डेली, वीकली या मंथली पर क्लिक करें। फिर आपको उस गूगल अकाउंट को लिंक करना होगा जिस पर आप बैकअप रखना चाहते हैं। ये तय करें कि क्या आप बैकअप वाईफाई से लेना चाहते हैं या मोबाइल डेटा के जरिए। इसके बाद बैकअप प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा और आपकी सारी चैट हिस्ट्री सुरक्षित क्लाउड में स्टोर हो जाएगी। क्या आपको भी आबकारी विभाग रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें नियुक्ति से पहले 1390 रुपए का पंजीकरण शुल्क मांगा जा रहा है? बता दें कि ये नियुक्ति पत्र फर्जी है। सरकार द्वारा इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस पत्र को फर्जी करार दिया है। आपसे अनुरोध है कि इस तरह के संदेशों से सावधान रहें। हमेशा सरकारी योजनाओं और नौकरी संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से ही सत्यापन करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका ने जीता था? ऑप्शन ए है गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी है बर्नार्डिन एवरिस्टो, ऑप्शन सी है मार्गरेट एटवुड और ऑप्शन डी है सामंथा हार्वे। इसका सही उत्तर होगा सामंथा हार्वे। ICC पुरुष वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए है राशिद खान, ऑप्शन बी है साहिन अफरीदी, ऑप्शन सी है केशव महराज और ऑप्शन डी है जसप्रीत बुमराह। इसका सही उत्तर होगा साहिन अफरीदी। चौथे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। सही उत्तर होगा पाकिस्तान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया था? ऑप्शन ए है 14 जून 2019, ऑप्शन बी है 5 अप्रैल 2019, ऑप्शन सी है 15 जुलाई 2019 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 2019। इसका सही उत्तर होगा 14 जून 2019। राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सिमरिया ग्राम, ऑप्शन बी है मोरगांव, ऑप्शन सी है औराही हिंगना, ऑप्शन डी है सतबरबा। इसका सही उत्तर होगा सिमरिया ग्राम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है खुशी शर्मा, कृष्णा प्रसाद, रामबाबू यादव, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, अरशद अंसारी, सादुल्लाह पलवी, जितेंद्र ठाकुर, मोतीलाल कुमार, नरेश राम, विनोद शाह, नौशाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, सुवाजंद ठाकुर, अब्दुल अंसारी, अतीक खान, राजेश मिश्रा, विनय कुमार, रवि मोहन वर्मा, रोहित कुमार मंडल, छोटू रजा, उमेश ऋषिदेव, रवि शंकर, सहबाज राज। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आप तनाव से निपटने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं? इसका जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।